आइए 2 मिनट के अंदर आपको एक खुशखबरी देता हूँ। ट्राई ने नया शासनादेश निकाला है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। टेलीकॉम कंपनीज के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि क्यों इनका प्लान 28 दिन का होता है, क्यों नहीं 30 दिन का होता है या महीने भर का पूरा होता है। ये लोगों को भ्रम में क्यों रखते हैं, 28 दिन की सर्विस ही क्यों देते हैं, साल में 12 रिचार्ज के बजाय 13 रिचार्ज क्यों करवाते हैं। जिस पर ट्राई ने अपना आदेश निकाला था आज से 3 महीने पहले कि टेलीकॉम कंपनीज को कम से कम एक प्लान रखना चाहिए 30 दिन वैलिडिटी के साथ, पर अभी भी सारी टेलीकॉम कंपनीज ने इस बात को नहीं माना है और ट्राई ने एक बार फिर आदेश निकाला है कि जल्द ही आप सबको रखना होगा अपने प्लान्स के अंदर 3 ऐसे प्लान्स कंपलसरी जो कि ग्राहक के बेनिफिट के लिए। पहला, आपको एक प्लान रखना होगा जिसकी वैलिडिटी कम से कम 30 दिन की हो और वो कॉम्बो प्लान हो, मतलब कि डेटा और कॉलिंग दोनों हो। इसके अलावा एक प्लान रखना होगा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ टैरिफ वाला, टैरिफ प्लान हो, मतलब आप रिचार्ज करिए तो उतना ही पैसा आपको मिल जाए। और तीसरा है आपको डेटा पैक, मैसेज पैक, कॉलिंग पैक, जो डिफरेंट टाइप के पैक होते हैं वो प्लान। हर सेगमेंट में पूरे महीने का प्लान होना चाहिए। और मान लीजिए महीने की टाइम ड्यूरेशन कम है, जैसे 28 दिन का फरवरी हो गया या कुछ 30 का हो गया, 31 का हो गया, तो महीने के आखिरी दिन तक वैलिडिटी को माना जाएगा, ऐसा ट्राई का कहना है। और अगर कंपनी सब ऐसा नहीं करेंगी तो जल्द उनको झेलना पड़ेगा। ट्राई ने सशक्त आदेश निकाला है इस बार और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर, क्योंकि कंपनीज हम सबको भ्रम में ही रखती हैं। महीने भर का बोलकर 28 दिन की वैलिडिटी ही देती हैं, 2 महीने का बोलकर 56 दिन की वैलिडिटी देती हैं, 3 महीने का बोलकर 84 दिन की वैलिडिटी देती हैं। अब ये कीमत भी बढ़ा देते हैं, 28 से 30 करने पर कीमत भी बढ़ा देते हैं 2 GB या 3 GB का। तो मैं ट्राई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेम कीमत में इनको करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। 28 दिन का 30 दिन पे करें तो लेकिन कीमत उतनी ही रखें, कीमत ज़्यादा ना बढ़ाएं। ये मैं वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ। वीडियो को चारों ओर फैलाइए, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताइए। अभी के लिस्टों में इतनी जानकारी, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।